दोस्तों आज हम आपको पत्थर चट्टा की विशेषताएं बताएंगे। दरअसल ये पत्थरी में बहुत ही काम आने वाली औषधि है। लोग पत्थरी से निजात पाने के लिए सर्जरी तक करवाते हैं, लेकिन कुछ तरीके आयुर्वेद में ऐसे भी हैं जिनमें बिना सर्जरी के ही आप पत्थरी को बहुत ही आसानी से अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। पत्थर चट्टा भी उन्हीं तरीकों में से एक है। आयुर्वेद में पत्थर चट्टा के पौधे को किडनी स्टोन और प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़े हुए रोगों के इलाज में उपयोगी माना जाता है। इसे पर्ण बीज भी कहते हैं। इसकी डाली या पत्ते को मिट्टी में गाड़ देने से ही यह उसी स्थान पर नए पौधे के रूप में निकल जाता है। तासीर में सामान्य होने की वजह से इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। पत्थर चट्टा के इस्तेमाल से पथरी बहुत ही आसानी से निकल जाती है। दोस्तों क्या आपने कभी पत्थर चट्टा के पौधे को देखा है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो में लिंक दे सकता हूँ, इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। पत्थर चट्टा के 4 से 5 पत्तों को बारीक पीस कर एक गिलास में पानी मिला लें। फिर इसे सुबह शाम जूस के रूप में करीब 1 से 2 महीने तक पिएं। जूस के अलावा पत्तों को चबाकर और पकौड़े बनाकर भी खाया सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी अगर पत्थर चट्टा के पत्तों का सेवन नियमित रूप से करें तो वह कई सारी परेशानियों से बच सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है दोस्तों। जिस दौरान आप पत्थर चट्टा का सेवन कर रहे हैं उस समय आपको तंबाकू, चूना, सुपारी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी गमले में पत्थर चट्टा का पौधा लगा लें, इसकी डाली या पत्ता भी लग जाता है और कुछ ही दिनों में पौधा बन जाता है। हफ्ते में एक बार कम से कम एक पत्ते का सेवन करते रहें या सब्जी में 1 से 2 पत्ते डालकर खाएं। जिन लोगों की पथरी जल्दी जल्दी होती रहती है वह हर दूसरे दिन पत्थर चट्टा का आधे पत्ते का सेवन करें। परहेज के रूप में टमाटर के बीज का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप टमाटर को छोड़ दें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।